अगर धरती पर आज के डेम में वो सबसे गिरा हुआ आदमी है और सबसे नीचे जो है वो मोची है। राहुल गांधी इस तरीका से मिले, इस तरीका से अभी कोई नहीं मिलो। मैंने आज तक ऐसा कोई नेता ही नहीं देखा जो मोची से मिला हो, और जो मोची के बारे में जब मिल रहे हैं तो मोची के बारे में कुछ सोचेंगे भी और कुछ करेंगे भी। लॉकडाउन में हम तो भूखे मरे सर, क्या करा सरकार ने हमारे लिए, कुछ नहीं करा था। खाने के लिए रोटी आती थी हमारे खाने के लिए, बस हमने वो दिन देखे जब हमारे बच्चे दूध के लिए रोते थे, रोटी के लिए रोते थे, लाइन में लग के रोटी खाई है। हमने इतने बुरे दिन देखे लॉकडाउन के अंदर। सरकार कहती थी पैसे भेजे, सिलेंडर भेजा, कुछ नहीं आता था ऐसा। हम लोग तो सर बहुत परेशान रहते हैं, जो काम भी करते हैं इतने परेशान चल रहे हैं, अभी सुबह से वॉनी तक नहीं हुई है। मतलब मुझे कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, कभी रोजी कभी रोजा, कभी होता कभी नहीं होता, कभी रूखी कभी सूखी। मतलब जो हिसाब किताब है, जितनी कमाई हो जाती है तो खाना चल जाता है, नहीं तो फिर भूखे भी सो जाते हैं। ऐसे आदमी कुछ मोची बहुत हैं यहाँ पे। उम्मीद जगी है कि राहुल गांधी हम मोचियों हमारे मोचियों से भाइयों से मिले तो उनके लिए कुछ सोचेंगे वो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों आपने राहुल गांधी जी की एक तस्वीर देखी होगी, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, उस तस्वीर की बहुत चर्चाएं हो रही हैं। तस्वीर में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी एक मोची के साथ बैठकर जो है वो चप्पल सिलने का काम कर रहे हैं, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने यूपी के सुल्तानपुर में मोची से जो है मुलाकात की, उस मोची का दुख दर्द और तकलीफ जो है उन्होंने जानने की कोशिश की। ऐसे में हमने सोचा कि हम भी चलिए दिल्ली में जो है वो मोची भाइयों से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, और उनसे ये पूछते हैं कि जब इनको पता लगा कि राहुल गांधी जो है वो मोची भाइयों से मिले तो इनको कैसा लगा, और किन किन परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है, और सरकार आखिर क्या इनकी कोई मदद करती भी है या नहीं करती है, इन बारे में इनसे जानेंगे। और जब राहुल गांधी मोची से मिले वो बात इनको कितनी अच्छी लगी, इस बारे में इनसे जानेंगे। ये चांदनी चौक का इलाका है दिल्ली में, कई मोची मुझे यहाँ मिले, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करूँगा, क्या नाम है आपका? रवि। आपको जब ये पता चला कि जो है राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर में मोची से मिले, उन्होंने जो है चप्पल सिलने का काम किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा किसी ने हमारे बारे में सोचा किसी चीज़ के लिए। कोई आदमी व्यक्ति ऐसे बढ़ता नहीं किसी चीज़ के लिए जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं। कोई नेता आज तक किसी के साथ नहीं बैठा है ऐसे जो चप्पल चीते हुए दिखाई दे। आजकल सब नेता होते अपने अपने घर के ही होते हैं सर, तो हमें तो इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा, इस चीज़ के बारे में सोचा हमने। और सरकार है, कोई भी सरकार हो, हमारा थोड़ा ध्यान रखे कि हम भी कहीं नीचे से उठे, हम भी कहीं ऊपर पहुँचे, कहीं हमारे भी बच्चे हैं, हमारी जनरेशन है, हमारी पीढ़ी इसी चीज़ में रह जाएगी। कभी सोचा था आपने कि कोई इतना बड़ा नेता जो है वो आप लोगों के बीच में आएगा, आप लोगों के दुख दर्द को जानने की कोशिश करेगा कि भाई मोची भाइयों को क्या दिक्कत होती है, आप लोगों के साथ बैठ कर चप्पल से लेगा, कभी सोचा आपने ऐसा? सपने में सोचा था? कभी नहीं सोचा ऐसा, ये पहली बार ही हुआ है ये। ऐसा तो खैर नहीं सोचा आज के बाद ना, शुरू से किसी ने हमारे बारे में ध्यान दिया, राहुल गांधी ने ध्यान दिया, उसके लिए धन्यवाद है। अगर आगे हमारे लिए कोई सुविधा या कोई हमारे लिए कुछ रेलवे के अंदर या कोई हमारे अंदर, जैसे हम यहाँ स्टेशन पर काम करते हैं मोची का, तो हमारे लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए, जैसे कुलियों के लिए होती है, उनको बिल्ले मिलते हैं, उनको परमिट दिया जाता है, हर चीज़ का लाइसेंस दिया जाता है, तो हमें तो कोई लाइसेंस ही नहीं है सर। आपके लिए कोई सुविधाएँ सरकार की तरफ से नहीं? हमारे कोई सुविधा नहीं मिलती है सर। क्या क्या दिक्कत होती है आप लोग ये बताइए? दिक्कत तो बहुत है सर, हमारा रोजगारी ऐसा है सर, पटरी है, कभी काम होता है तो होता है, कभी काम नहीं होता तो फिर वैसे खाली रहना पड़ता है। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं हमारे साथ, और सबसे दिक्कत तो मोची को ही है। अगर धरती पर आज के डेम में कोई सबसे गिरा हुआ आदमी है और सबसे नीचे जो है वो मोची है। अगर राहुल गांधी सोचते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे को बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ के लिए कि राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ सोचे। सवाल ये है कि राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, वो सत्ता में नहीं हैं, वो लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, उनके दर्द को बांट रहे हैं, उनकी आवाज़ को सदन में उठाते हैं वो। सरकार को आपको नहीं लगता है कि आप लोगों की मदद करनी चाहिए? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी आप लोगों के बीच कभी आना चाहिए, आप लोगों से बात करनी चाहिए कि भाई क्या दिक्कत परेशानी है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो ये कहेंगे सर कि जैसे मान लो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन ठीक है वो भी अपनी जगह ठीक है, वो भी अपना काम कर ही रहे हैं और ये भी अपना काम कर ही रहे हैं, तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो मोदी साहब को भी करना चाहिए, उनको भी आके लोगों से मिलना चाहिए, उनको भी पब्लिक के अंदर देखना चाहिए, उनको भी दिखाना चाहिए कि भाई जब एक आदमी ऐसा कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। लेकिन आपको लगता है वो कभी ऐसे करेंगे जिस तरह से राहुल गांधी करते हैं, जमीन के नेता हैं, लोगों से मिलते हैं? अब सर वो करेंगे नहीं करेंगे तो उसके तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके बारे में वो तो बड़े लोग हैं वो ही जानेंगे, हमारे बारे में जो सोचेगा हम तो उसके लिए सोचेंगे। वो लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, चाहे कुलियों से मिले, वो मोचियों से मिले, लेबर मजदूरों से मिले, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सबसे मिल रहे हैं वो, तो आपको लगता नहीं कि वो मिल तो रहे हैं ना, वो बात आगे करें? मिल रहे हैं वो, सबसे मिल रहे हैं, सब जितने मजदूर टाइप के आदमी सबसे मिल रहे हैं। अच्छी बात है मिलना, और हर किसी को मिलना भी चाहिए, ऐसा कोई नेता देश में होना भी चाहिए सबसे मिले, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं ऐसे, उनको भी मिलना चाहिए। नेता के तौर पे कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी को, जब ये लगता है कि कोई नेता है आज के दौर में
जहाँ सारे नेता घर में बंद रहते हैं, बैठे रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, जनता से नहीं मिलते, और राहुल गांधी जो है पूरे देश में घूम घूम के लोगों से मिल रहे हैं, उनके दर्द को जान रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखना तो सर ऐसे ही है कि देखो जो चला आ रहा है शुरू से, जो चीज़ जैसे नेता लोग कर ही रहे हैं, सोचा किसी ने नहीं है, लेकिन हमारे बारे में अब हम किसी के नहीं कह सकते किसी के बारे में कुछ, बाकी विपक्ष है या सरकार है कोई भी है, वो हमारी मदद करे तो हम उसके लिए बहुत आभारी हैं उसकी। अभी तक कोई मदद आप लोगों को कभी सरकार से मिली हो या कोई जानने आया हो कि भाई मोची भाइयों को क्या दिक्कत होती? नहीं सर, आज तक कुछ नहीं है सर। स्टेशन पे मुझे 22 साल हो गए स्टेशन पे काम करते करते सर, आज तक नहीं है। आपका क्या नाम? राजपाल। कितने साल से आप मोची का काम? मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ। आपको पता चला है राहुल गांधी मोची से मिले सुल्तानपुर? मैंने कभी नहीं सुना, अब सुनकर तो मैं बहुत खुशी हुई कि अब राहुल गांधी मोची से मिल रहे हैं और मोची का काम कर रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई नेता ही नहीं देखा जो मोची से मिला हो, और जो मोची के बारे में जब मिल रहे हैं तो मोची के बारे में कुछ सोचेंगे भी और कुछ करेंगे भी। और ऐसा कभी सोचा था कि कोई नेता आएगा जो मोचियों से भी मिले? नहीं, हमने नहीं देखा कभी, हमने सोचा क्या, देखा ही नहीं कभी। और जो मिल रहे हैं मोचियों से तो अच्छी बात है, और जब मिलने तो मुझे सुविधा भी करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है आप लोगों? सरकार कुछ करती है आप लोग? नहीं करती, कुछ नहीं करती सरकार। कैसा चल रहा है काम धंधा आपका? बिल्कुल बेकार। क्या दिक्कत? जब मर्जी भगा देते हैं, जब मर्जी उठा देते हैं। यहाँ किसी का प्रूफ तो है नहीं, ना लाइसेंस है, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना कोई आई कार्ड है। यहाँ पर जब मर्जी भगा सकते हैं, जब मर्जी बंद कर देते हैं, मतलब मुझे कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। घर कैसे चलता है, आपकी कमाई कैसी? कभी कभी रोजी कभी रोजा, कभी होता कभी नहीं होता, कभी रूखी कभी सूखी, मतलब यही हिसाब किताब है। जितनी कमाई हो जाती है तो खाना चल जाता है, नहीं तो फिर भूखे भी सो जाते हैं। ऐसे आदमी कुछ मुझे बहुत हैं यहाँ पे ऐसे। लेकिन सरकार कुछ नहीं करती आप? सरकार कुछ करी नहीं रही तो क्या करेगी? और जब ये पता लगा कि भाई राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं वो मिल रहे हैं, तो एक उम्मीद जगी मन में कि यार कुछ होगा हमारा? हमें समझ में तो कुछ नहीं आ रहा भैया, जो मतलब जो तो जो बड़े आदमी उनके अंदर ही घुस रहे हैं, गरीब आदमी की तो कुछ सुनवाई नहीं है। कौन गरीबों की नहीं सुन रहा? जो जिनकी सरकार है वो नहीं सुन रहे। क्या राहुल गांधी गरीबों को सुन रहे हैं? राहुल गांधी तो बेचारे इस टाइम खुद मजबूर हैं, वो मुझे खुद हाथ जोड़ तो फिर रहे हैं। अब वो बन जाते किसी काबिल होते तो कुछ सुनते भी, अगर इनकी जगह पर राहुल गांधी होते तो बहुत कुछ कर देते। राहुल गांधी से उम्मीद है? हाँ, बहुत उम्मीद है हमारे लिए, बहुत उम्मीद। राहुल गांधी में ऐसा क्या है कि आपको उनसे उम्मीद है? वो उनका तो काफ़ी दिन उनके राज रहा है, जो तो अब आके हुआ है भी, इनका बीजेपी वालों का तो अब आके हुआ है, कांग्रेस राज तो शुरू से रहा है। उम्मीद है आपको कांग्रेस? हाँ, बहुत उम्मीद है हमें तो। लगता है राहुल गांधी हैं जो गरीबों के लिए करेंगे, बीजेपी अमीरों के लिए करती है? हाँ, वो तो अमीरों के लिए कर रहे हैं, वो तो अमीरों के लिए कर रहे हैं। जब आपको पता लगा कि राहुल गांधी जो है मोची से मिले, कैसा लगा? मतलब इतना बड़ा नेता समझ लो मोची से मिल रहा है, कुछ के लिए हमारे लिए हमदर्दी कुछ पैदा होगी, हम गरीबों के लिए कुछ सोचेंगे वो, समझ लो। हाँ, हमारे लिए सोचेंगे कुछ। हम तो ये स्टेशन पर काम करते हैं, यहाँ तो कोई सुविधा तो है नहीं हमारे यहाँ, ऐसे कुलियों का बिल्ला फिल्ला हमारा, हम काम करते हैं यहाँ पे तो हमारा कुछ तो है नहीं। जब मरिए पकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं, उठा के भगा देते हैं हमारे लिए, इसलिए। सरकार से कोई मदद नहीं? सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है मोदी सरकार से कोई। और कमाई कैसी हो रही, घर चल जा रहा है इतने? कमाई क्या है, जो तो कभी देखो 300 भी हो जाते हैं, कभी 400 भी हो जाते हैं, इतने कमा लेते हैं। उसमें खर्चा आया, घर में बच्चे फैमिली है, 400-500 रुपये खर्चा है, पूर्ति हो नहीं पाती है, काम करने नहीं देते हैं सर। जो इतनी महंगाई है इस सरकार में, इसमें कैसे चल रहा है? अब जैसा देखो महंगाई है, वो तो गुजारा तो करनी पड़ेगा सर, महंगाई है जैसा भी है, बच्चों को तो रोटी खिलानी पड़ेगी, रोटी तो खिलानी पड़ेगी बच्चों को। लेकिन उम्मीद एक जगी है कि राहुल गांधी मिल रहे हैं तो कुछ हो? उम्मीद जगी है कि राहुल गांधी हम मोचियों हमारे मोचियों से भाइयों से मिले तो उनके लिए कुछ सोचेंगे वो। हाँ, सोचेंगे। सरकार नहीं सोचती ना मिलती? सरकार नहीं सोच रही है कुछ हमारे लिए, कुछ समझो हमारे लिए सरकार नहीं सोच रही कुछ। 10 साल हो गए इस सरकार को, कुछ आप लोगों के लिए किया? हमारे लिए तो कुछ ना, हम तो जैसा कर रहे हैं साहब, जैसे बैठे हैं थैला लेके ऐसे ही काम कर रहे हैं स्टेशन पे सर। क्या कह रहे हो? लॉकडाउन में हम तो भूखे मरे सर, क्या करा सरकार ने हमारे लिए? कुछ नहीं करा था। खाने के लिए रोटी आती थी हमारे खाने के लिए, बस हमने वो दिन देखे जब हमारे बच्चे दूध के लिए रोते थे, रोटी के लिए रोते थे, लाइन में लग के रोटी खाई है हमने। इतने बुरे दिन देखे लॉकडाउन के अंदर। सरकार कहती थी पैसे भेजा, सिलेंडर भेजा, कुछ नहीं आता था ऐसा। और लोगों से थोड़ा बात करते हैं, आप थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? करण। आप भी मोची का काम कर? हाँ सर। कितने साल से कर रहे हैं? सर मेरे को 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। आपको पता चला राहुल गांधी जो है वो मोची से मिले सुल्तानपुर? हाँ, मेरे को पता चला, मैंने पेपर में भी देखा ये चीज़। लेकिन मुझे खुशी हुई इस बात की कि किसी सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचा।
चाहे उनकी किसी नेता ने सरकार तो है नहीं। या उनकी सरकार है या नहीं है, लेकिन ये है कि किसी ने सोचा हमारी तरफ, तो हमें बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। लेकिन ये जो सरकार बैठी हुई है उसे भी हमारे लिए सोचना चाहिए कि ऐसे हम स्टेशन पर काम करते हैं तो हम लोगों का आई कार्ड वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें बने जो कोई हमें परेशान ना करे, हमारा ये कहना है आगे के लिए। ये भैया से बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि इस धरती पे आज के समय में सबसे कमज़ोर, सबसे गरीब, सबसे परेशान अगर कोई है तो मोची हैं, और उनसे अगर राहुल गांधी मिले तो बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी जी भी मिले हमसे, हम तो ये चाह रहे हैं जो सरकार बैठी हुई है वो भी आके हमसे मिले, हमारी परेशानी यानी कि भाई क्या परेशानी है, कैसे परेशान हो आप लोग, बस हमारा यही कहना है। दिक्कतें क्या हैं आपकी? सर दिक्कतें यही है, काम धंधा नहीं है हम लोगों के पास, सुबह से आते हैं शाम तक काम धंधा करते हैं, वही बच्चों की दाल रोटी बनती है बस, सिर्फ हम तरक्की नहीं कर पा रहे थे। 10 साल में क्या बदला आपके लिए? सर बदला तो कुछ भी नहीं है, देखा है जैसे थे हम लोग वैसे ही है, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। कुछ मदद या कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव जीवन में, काम धंधे में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, जैसा था पहले वैसे ही चल रहा हम लोगों का। अब उम्मीद जग रही है कि जब आप देखते हो कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो मिल रहे हैं आप लोगों से, गरीबों से मिल रहे हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ होगा, हमारी बात कोई सदन में उठाएगा? हाँ देखो, अगर वो हम लोगों से मिल ले तो हो सकता है वो हमारे लिए कुछ करे, आगे सदन में हमारी बात रखे, हो सकता है ऐसा। उम्मीद है लोगों के लिए सोचेंगे, उम्मीद है इस चीज़ की हमें। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आप भी मोची का काम करते हो? क्या का नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजलाल वर्मा। अच्छा अच्छा, ब्रजलाल वर्मा। आपको पता चला राहुल गांधी जो है मोचियों से मिले? हाँ मैंने अभी देखो पेपर में। हाँ क्या था उसमें पेपर में? वे चप्पल सी रहे हैं और मोची बैठे बराबर। एक उम्मीद है कि मतलब अगर कोई नेता मिल रहा है इस तरह से तो कुछ होगा? अब तक ऐसे कोई नहीं मिलो जैसे राहुल गांधी इस तरीके से मिले, इस तरीके से अभी कोई नहीं मिलो। हाँ ठीक लगा कि राहुल गांधी मिल रहे हैं गरीब? बहुत बढ़िया बात, गरीब से मिल रहे बहुत बढ़िया बात। हाँ सरकार कुछ करती है आप लोगों के लिए? अरे हमें क्या कहते, पटरी वाले लट्ठ मार के भगाए रहे, और क्या कहते मार के भगा रहे। अरे पटरी साफ कराए रहे, नहीं कराए रहे पटरी पत्तो रह रहे, कहीं इधर लेटे कहीं उधर लेटे कहीं यहाँ लेटे। मोचियों के लिए 10 साल में क्या किया सरकार ने, ये बताओ? एक क्या करो, कुछ नहीं करो, दो चार बार तो हम ही बंद हो चुके, बंद जेल में गए। हाँ जेल में नहीं गए, 200-400 रुपया जुर्माना दे के छूट गए। क्यों क्यों ले गए? कि यहाँ क्यों लेट रहे, क्यों काम जो कर रहे? तो सरकार कोई मदद भी नहीं दे रही और खुद से काम कर रहे हो तो परेशान भी हो रहे। हाँ कत्ता ही परेशान, मनोहत में उठाओ तो पर्चा बना दे, दिक्कत है, दिक्कत पूरी है बाबू जी। तो आप जब राहुल गांधी की मोची से मेरे सुल्तानपुर में, उसकी भी वही दिक्कत हुई होगी? दिक्कत तो सबकी है कि वो भी पटरी काम करती हुई, तो उसकी भी कभी कभी वही होगी, जरूर वही होगी। तो उसने भी ये बात बताई होगी, तो एक उम्मीद है कि कोई हमारी बात जो है सदन में उठाएगा। हाँ उठावे तो सही है। और दो चार लोग यहाँ पे हैं, इनसे कोशिश करेंगे बात। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रिंकू है भैया। पता चला आपको राहुल गांधी मोची से मिले? पता चला था, सुनने में मिली मेरे को। और हम लोग तो सर बहुत परेशान रहते हैं, जो काम भी करते हैं इतने परेशान चल रहे हैं, अभी सुबह से बोनी तक नहीं हुई है। ये समझ लो सुबह से काम कर रहे हो, बोनी नहीं हुई, अभी बंद भी सामने उठवा के आए, उन्होंने कहा काम कर लो थोड़ा, काम भी करा और फिर इधर आ गई, और अभी 1 रुपये का भी नहीं काम करा। समझ लो सरकार की तरफ से कुछ मदद कुछ होता है आप लोगों का? अभी कुछ नहीं मिला साहब, हमें कुछ नहीं मिला। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार है, क्या बदला आपके जीवन में? कुछ नहीं बदला साहब, जैसे हैं हम वैसे ही हैं अभी तक। आज तक किसी ने सोचा भी आपके बारे में? किसी ने नहीं सोचा सर। अब जब ये पता चला कि राहुल गांधी मिले मोचियों से तो कैसा लगा? अच्छा लगा सर। उम्मीद जगी है कि हाँ अगर राहुल गांधी मिल रहे हैं मोचियों से तो उनकी बात वो कहीं करेंगे, कुछ करेंगे? हाँ अच्छा लगा, मैं अच्छा लगा। कैसे देखते हो आप राहुल गांधी को नेता के तौर पर? अरे सर जी, अब नेता तो नेता के तरीके से दिखेंगे। वो मानते हो, लोग कहते हो वो गरीबों के नेता हैं, जननायक, ऐसी बातें लोग करते हैं उनके बारे में, इस पर आप सहमत हो? हाँ जी सहमत है। तो ये तमाम जो है दिल्ली के तमाम मोची भाई थे, राहुल गांधी जी ने जब सुल्तानपुर में मोची से मुलाकात की, उसके साथ बैठ के जो है वो चप्पल सिलने का काम किया, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने भी सोचा कि चलिए दिल्ली में ही चलते हैं, मोचियों से मुलाकात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब इनको पता चला कि इन्हीं के वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ राहुल गांधी जी मिले, उसके साथ जो है उन्होंने बातचीत की, उसका दुख साझा किया, उसके साथ बैठकर जो है वो चप्पल सिलने का काम किया, तो वो बात इनको कैसी लगी और इनकी दुख तकलीफ क्या है वो हमने समझने का काम किया। इनका कहना है कि सरकार जो है इनके लिए कुछ ऐसी कोई ठोस जो है वो रणनीति नहीं बना रही कि इनके जीवन में कोई बदलाव हो पाए, जैसे इनका काम पहले चलता था वैसे ही आज इनका काम चल रहा है,
कुछ ऐसा बदलाव जो है इनके जीवन में नहीं हो पा रहा है जिससे इनका जीवन जो है वो बेहतर हो, इनका घर परिवार अच्छे से चले और ये अच्छे से जीवन यापन कर पाए। ये वजह है कि राहुल गांधी जी ने जो है मोची भाई से मुलाकात की, उनकी समस्या को जानने का काम किया। वो विपक्ष के नेता हैं और वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो कूली भाइयों की बात करिए, चाहे दिहाड़ी मजदूरों की बात करिए, चाहे युवाओं की बात करिए, लोको पायलटों से वो मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और उनकी जो आवाज़ है उसको मजबूत कर रहे हैं और इनकी आवाज़ को सदन में उठाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।